हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस न्यू व्लॉग में। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रही है मॉर्निंग और सुबह के टाइम पे मैं कर रही हूँ अपने घर की डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग जो है वो मेरे डेली रूटीन में शामिल है और मैं डेली अपने घर की डस्टिंग करती हूँ। जब भी झाड़ू लगाती हूँ उससे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग करना ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग करने के बाद आ गई हूँ अपने सोफ़े वगैरह के कवर जो हैं उनको सेट कर लूँगी। सुबह सुबह का टाइम है और ये काम जो होता है मेरे घर में ही नहीं, स्पेशली सभी के घरों में मोस्टली होता ही होता है। और यहाँ पर अभी आ चुका है मेरा जो क्लोथ वॉशिंग का टाइम है वो। तो हम यहाँ पर आ गए अपने वॉशिंग एरिया में। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि कपड़ों को ना बहुत ही आसान तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ आज आपको। और आपको ना कुछ भी नहीं करना है, बस एक टब में थोड़ा सा सर्फ़ भिगो लेना है। सर्फ़ के अंदर अपने जो कपड़े हैं उनको सभी को डीप करके रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मैल लगा हुआ कपड़ों में वो सारा का सारा ही फूल जाएगा। आप जब आपको जब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कपड़ों को, तो वो सर्फ़ के अंदर जो मैल होगा वो सारा का सारा ही फूल जाएगा और उसके बाद में आप अच्छे से कपड़ों को वॉश कर पाएंगे। बहुत ही इजीली आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कपड़ों का जो मैल है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ आज कर लेती हूँ अपने बाथरूम की साथ के साथ सफाई। तो जो भी इसमें शैम्पू वगैरह रैक में और साबुन के जो रैपर वगैरह हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि काम करते करते शैम्पू वगैरह के रैपर जो हैं उनको यहीं पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैं आज उनको भी उठाकर यहाँ से बाहर फेंकने वाली हूँ, साथ के साथ मेरे बाथरूम की भी सफाई हो जाएगी। तो डेली जो रूटीन है मेरा यही रहता है, इस वजह से मैं अपने घर को बहुत ही जल्दी मैनेज और ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ। मुझे अलग से एफ़र्ट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही मुझे एक दिन निकाल कर अलग से स्पेशली काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अभी इतना काम करने के बाद मेरे कपड़े जो है वो सर्फ़ में भीग रहे हैं। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद मैं अब चैन से बैठकर दो घड़ी पीऊँगी चाय। तो सुबह की चाय मिलना बहुत ज़रूरी है, एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। अब मुझे मिल चुकी है पूरी तरह से एनर्जी। और हरी सब्जियाँ, अब हम बात करते हैं हरी सब्जियों की। तो गाइस, हरी सब्जियाँ जो होती हैं उनको आप ज़्यादा टाइम के लिए ना फ्रिज में नहीं रखें, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती हैं, अंदर से जो उनके पत्ते वगैरह होते हैं वो गलने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पालक को जल्दी से निकाल लेते हैं और साफ़ करके इसको बना लेते हैं, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। तो हरी सब्ज़ियों को ज़्यादा टाइम आप स्टोर करके ना रखें, मेरी सलाह आपके लिए यही होगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हरी सब्ज़ियों को आपको बना लेना चाहिए। घर में बचे हुए चावलों का सबसे अच्छा यूज़ ये होता है कि आप उनको एक बार से फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद में बच्चे उनको बहुत ही टेस्टी से खाएंगे। और अभी आ चुके हैं हम स्कूल में। जी हाँ, तो घर के काम काज तो पूरे दिन लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनकी हर एक एक्टिविटी में अगर आप शामिल होते हैं तो ये उनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और इस खुशी के लिए भाई मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं फटाफट अपनी एक्टिवा को स्टार्ट करके और भूम भूम करते हुए सीधे आ चुके हैं अपनी अक्षु के स्कूल। यहाँ पर आज साइंस एग्जीबिशन लगी हुई है और साइंस एग्जीबिशन में आप देख सकते हो गाइस, बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर जो है हैंडक्राफ्ट बनाए हुए हैं अपने। ये जितना भी वेस्टेज सामान होता है घर में उससे ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि बच्चे इतना मतलब एक्टिविटी दिखा सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ में। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर जो आइटम हैं वो वेस्टेज मटेरियल से बच्चों ने बनाए हुए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर थे। तो मन कर रहा था कि यहाँ से ना कुछ ले भी जाओ, लेकिन क्या होता है ना कि स्कूल से हम कुछ ला नहीं सकते हैं, बस उनको वॉच ही कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपके साथ में शेयर करनी बनती है, तो मैंने आपको दिखाया। देखिए आप बच्चों की क्वालिटी देखिए। और यहाँ पर पूरे स्कूल में घूमने के बाद हम आ चुके हैं अपने अक्षु की एग्जीबिशन में। तो यहाँ पर इसने भी ना इंटरनेट सेफ्टी के ऊपर जो है वो एक प्रोजेक्ट रेडी किया था। और यहाँ पर इसको चाहिए था फ़ोन, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी।
ये बोल रही थी मम्मी मुझे अपना फ़ोन दे दो जिससे कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकूं, पर मैं इसको मना कर रही थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुझसे ना नाराज़ हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं फ़ोन, और मैंने उस दिन इसको अपना फ़ोन दे दिया था। तो पूरा दिन स्कूल में इसी के पास मेरा फ़ोन रहा, और चलिए कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स फ़ोन लेकर आए थे तो मैंने इसको भी दे दिया, तो ये भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गई थी। तो कोई बात नहीं है, होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हर एक चीज़ के ऊपर। बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो इस एग्ज़िबिशन को देखने आए थे, बच्चों की सराहना करने आए थे। और अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ये दोबारा से अगेन मतलब अपना स्कूल जाने के लिए हो रही है रेडी। और मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिया है, रेडी कर दिया है। नहीं चलानी स्कूटी। और आदि को आजकल ना स्कूटी चलाने का भूत सवार हुआ है, एक नया भूत सवार हुआ है इसको। तो यहाँ पर ये चला रहा है स्कूटी, और काफ़ी हद तक ये सीख चुका है स्कूटी चलाना। अक्षु का भी बहुत मन है चलाने का, लेकिन उसको लगता है डर। और मेरे घर के पास हो रही है भागवत, तो ये भागवत का लगा हुआ है पंडाल, आप लोग भी आ जाइए सुनने। हेलो एवरीवन, तो आज ना वीडियो के एंड में आप लोगों से बात हो पा रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने में, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मैंने आप लोगों से बात नहीं की है, बिल्कुल भी बात नहीं की है। क्योंकि गाइस मैं आजकल थोड़ा सा ना बिजी चल रही हूँ, और उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी। और अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यार गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और क्या बोलूँ, बस मैं मुझे पता है मैं अच्छा चलो मैं ना आज एक बात आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। पता है मुझे ना बहुत टाइम से वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, और मतलब था नहीं, शौक है और हमेशा ही रहेगा। मुझे वीडियोस बनाने बहुत पसंद है, आई लव इट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके अलावा कोई और काम दिल से मन से कर ही नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत करना, और डिमोटिवेट शायद हो रही हूँ मैं क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। तो प्लीज़ बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही बोलूँगी मैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो तकली बाय।